क्यों 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 यार देख से डर लगता है यहाँ पे आपको देखने के लिए मुझे। हेलो ये क्या है भाई गुंडा बहुत धूप है मेरी ननद मुझे आलू गुंडा खिलाने चप्पल भी दिलाएगी। अच्छा ये भाभी मुंबई से आज आई है और मेरे से ले लेगी मैं पूरा कंगाल हो गई कब के आके देख अंधेरा अंधेरा है ना अभी आया देखो जरा मैं भी तो काली कवे को मेरे से अच्छे तुम दिख रहे हो देख आखिर पासबुक के तेल लेती हूँ। हेलो पैसे लो तुम्हारे हमको पैसे देख रहे थोड़ा किसी से पैसा नहीं चाहिए होता है कभी भी। अरे तुम्हारे तुम्हारे भी नहीं चाहिए तुम्हारे नहीं चाहिए अगर हमारा पार्लर का काम जल्दी हो जाएगा तो हम भाग जाते हैं ना दूसरे दूसरे से शाम होगा बोलते इनके साथ ऐसी भी सब यार गाड़ी फंस जाए ऐसी भी सब काम किया चांद देख सोने काम के दिया मैं कंधे तो सोने का रिंग लिया सारवा से कैसी है मस्त है कब लिए लाख में शादी में गई थी कितने की पड़ी हाँ कितने की पड़ी 2.5 ग्राम की कितने रुपए की पड़ी 2.5 ग्राम की है ना 7,500 से 3 ग्राम का सोने तक कितना छोटा रे चुतिया बनाने नहीं रहा भाई तो सोने रो यार 7,500 मम्मी क्या चल रहा है इधर अरे सोने रंग की से नहीं आई वाला वो देख फोटो काट रहा है भाई मम्मी क्या रेट चल रहा है जोर लग रहा है सोने का लेंगे मेरी हां तो क्या दिन तक हां 7,300 ग्राम में हवा 2.5 ग्राम में उठ जाती है बोलती है देखो सोने की रिंग है और तो पतला ही रहता है सोना सारे ना जाड़ा रहता है उस पे देखो नंबर भी आपका दिखा सोने में और उसमें क्या डिफरेंस है बहुत फिनिशिंग लेकिन क्या है फिनिशिंग नंबर वंबर कहाँ है नंबर की वजह से रहता है ना नंबर वंबर से हर रास्ता इधर ये 17 लिखा ना हाँ लिखा मैं तो ढापनी हूँ मैं ढापनी इधर रे 17 दिख नहीं रहा नहीं है अच्छा इधर मैं इधर देख रही हूँ मेरा नकली है क्या फिर बदली कर लेते हैं ना सोने कर आएगी नहीं आपको क्या आएगी आ जाती है वो नहीं आती है थोड़ा पतले हो गए तब ले लेना नहीं रे अभी करा देंगी मैं सोने का देखो ना कितना मस्त ये मेरी देखो ना कितनी पुरानी है एंगेजमेंट की मिलाना है इसके अंदर दो रिंग एंगेजमेंट की डाल के एंगेजमेंट बहुत पतली थी ना तो डाल के ना उतर चाहिए हमें छोड़ दे यार को रिंग लेके आ जाना चाहिए था ना जो बदली करनी थी मैं यहाँ से करा लेती कौन सी वाली रिंग सोने की हाँ ना एक रिंग है और मेरे को टाइट हो रही देखो इतनी बड़ी वाली रिंग नहीं है कि सेट वाली वो घर पे छोड़ दी इतना गर्मी है भाई हम ब्लैक एंड व्हाइट घोड़े ब्लैक एंड व्हाइट घोड़े हमारा मैच हो रहा है ये हमारा ओरिजिनल चलो झूठे मैंने बोला ही नहीं बड़ी ननंद
फ्लिपकार्ट वॉशिंग मशीन लेने जाना है भाई, सर्च करो फ्लिपकार्ट ऑफिस वॉशिंग मशीन आपका भी फ्रिज आ गया है तो हुआ क्या आया लोकेशन गूगल पे थोड़ी ना डाले होंगे वो लोग रहता है क्या रहा है नजदीक में शिवाजी नगर बहुत दूर है नहीं सर्च मारो ना दिग रश्मि कहाँ पर है नहीं आ रहा है ऑनलाइन नहीं डाले होंगे है ना दिग्रस फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट का ऑफिस कहाँ है गोडाउन हाँ यवतमाल जाना पड़ेगा फ्रिज भी ऑनलाइन ही मंगाया कल परसों लेके तो नहीं चलेगा क्या डबल डोर का है दिखाओ डबल डोर का है कि सिंगल है हाँ वो नीचे वो कांदा टमाटो डालने वाला है ना कितने हजार का ये सोलह का है मस्त है ना सेम ही मंगाते हैं ना फिर दोनों के लिए है ना मस्त तो है दो दो है ना बॉटल वाटर रखने का कांदा टमाटर का ये क्या है ये कैसर है उसके अंदर कूलिंग टेक्नोलॉजी पीछे का ना ये है क्या गोडाउन ये है गोडाउन कहाँ रखा है वॉशिंग मशीन किधर है वॉशिंग मशीन चलो हम आगे चलते हैं ना जाओ नहीं जा रहे हो मैं इधर ही बैठ रही वॉशिंग मशीन देखने का है मेरे को हाँ पार्सल का बॉक्स तो है छोटा आयरस से नहीं ये क्वेश्चन उतरे तो पता का ही देखे ना उतरे किधर है इधर किधर लिखा है फ्लिपकार्ट या कुछ कुछ तो नहीं लिखा है नाम ही नहीं है है ना फिर लोग कैसे ढूंढ के आएंगे है ना कुछ तो क्या फ्रिज आ गया है वॉशिंग मशीन है दोनों भी वॉशिंग मशीन के डब्बे नीचे भी ऊपर भी दो लंबा दिख रहा है ना इसके लिए फ्रिज लग रहा है कि पी के आती हूँ फिर एक बॉटल भरा के लाती हूँ है ना वरना और फूट जाएंगे फिर हमको पार्लर में लगेगा तो पानी है ना पी के आ जाते रखे तो आपका भी फ्रिज आ गया बोलते है देख लो ना वैसा ही है क्या वरना रिटर्न भेजने के लिए किधर है फ्रिज वॉशिंग मशीन सांसुई का दिखाओ तो चलो ना ये हमारी वॉशिंग मशीन तो सांसुई का वॉशिंग मशीन सैमसंग का है फ्रिज दोनों का दो ही रुपया हो गया है भाई ने दोनों दे दिया होगा ना फिर ऑर्डर सचिन बहुत नाम है किसके राहुल तो कर रहा है तो
अभी साथ में जाएंगे ना फिर। इधर का पार्लर देखो भाई, हमारा गांव का पार्लर ये क्या ही कर सकते हैं ये। घर में ही बनाया है ना, देखो ये घर है और घर में ही पार्लर है इसके लिए। पता नहीं पार्लर वाली किधर है। बाल कटाओ कि नहीं रे, क्योंकि आज सोमवार है ना, कटा दो। क्या होता है सोमवार को? नहीं काटते है ना बाल। मैंने तो कटाया यहाँ यहाँ तक, प्लीज मंडे को नहीं। अभी कटा क्या है आप करा क्या है? सब नहीं, खाली यही लेकिन क्या पूरा मेरा बाल खराब हो गया है। खुलते है अभी, पूरा हालत खराब है अभी। पता नहीं कभी आएगी, आ गई लगता है। मेरी शादी में मैंने कराया था वो वाला पार्लर वाली, बहुत अच्छा थी। उससे मैं फेशियल करवाई ना पूरा, मतलब नेक बैक पूरा किया था उसमें यहाँ की। हाँ मगर वो साइड में थी, पता नहीं किधर जाने थे। कटा देती हूँ, पूरा हालत ख़राब है बालों की है ना। एक ही आप पूरा रफ हो गए मेरे बाल, देखो कैसे बाल हो गए। फिर देखते हैं कैसे हमको सर्विस देती है अच्छी की नहीं, नहीं तो मेरा पूरा बदर देगी तो क्या पिक्चर। इधर का रेट और बॉम्बे का रेट में कितना फ़र्क होता है। वैसे कम 50-50 रुपए का ही फ़र्क है। वैक्स वहाँ तक, वहाँ पर 200 का रहता है क्लीनर पे। बॉडी वैक्स एंड पॉलिशिंग कितना? 5000 है। रुको देखते हैं यहाँ पर ये है क्या हमारा, क्या बाल का स्मूदनिंग उदनिंग क्या है। पॉलिशिंग, फेशियल, एंटीजन, साइडर मेकअप, ब्राइडल मेकअप 3000 का और ऐसे सिंपल 500 का। यहाँ पर बालों का तो कुछ है ही नहीं रे। हाँ बालों का कटिंग नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, कैरेटिन वेरेटिन कुछ भी नहीं है। बस क्लीन अप, ब्लीच, वैक्स, वही सब है। फेस वैक्स कहाँ है? हाँ हेयर स्पा 500 रुपया। हेयर स्पा ही करा लेती हूँ है ना, होगा क्या? लेकिन अच्छा होगा इधर का। अरे पूरे ड्राई हो गए ना क्या? वहाँ पर आईने में देखूँगी मैं जाड़ी मोटी भैंस। देख देख रहे हो लग रहा है थोड़ा सा है ना गोरा गोरा। अच्छी सर्विस दिया इसलिए थैंक यू। आएंगे कभी? वही डर रहता था कि यहाँ पर पता नहीं कैसे करेंगे नहीं करेंगे है ना, क्या इन्फेक्शन हो जाएगा तो शादी में ले आए और बुरे हो जाएंगे, ऐसा भी होता है ना। कभी कभी चलो फिर आते हैं। हाँ